नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिसके पास नागरिक उड्डयन विभाग के प्रभार हैं, वे विभाग के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित हवाई अड्डा परियोजना पर समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पहले हवाई अड्डे हिसार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी चर्चा की है तथा गत दिनों से दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की तथा इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा भी की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, ने बुधवार को चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित हवाई अड्डा परियोजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने उप मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि 3 चरणों में विस्तार किया जाना है। पहले चरण में हवाई पट्टी की लंबाई 3600 फुट से बढ़ाकर के 4200 फुट की जाएगी तथा इसमें 12000 फुट तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिसार हवाई अड्डे पर वायुसेना व सेना के विमानों व हेलीकॉप्टर की सर्विस के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब स्थापित करने का अनुरोध हरियाणा सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पहले ही किया जा चुका है। गौरतलब है कि हिसार में लगभग 3000 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है। इसके अलावा हिसार दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है और राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ा हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह जानकारी दी है और स्पाइट जेट के गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ हिसार में फ्लाइंग स्कूल चलाने के लिए MOU भी किया है। हरियाणा की 2 लड़कियों को स्पाइस जेट फ्लाइंग प्रशिक्षण निःशुल्क देगा तथा हरियाणा के युवाओं को 50% ट्यूशन फीस में छूट भी देगा। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम स्थापित करने के और रात्रि में हवाई जहाजों को उड़ान भरने की सुविधा उपलब्ध होगी और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइंग की सुविधा भी हिसार में उपलब्ध हो सकेगी। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट।